ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਸਪੈਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ श्रोमणी अकाली दल की सरकार जड़ी है की फतेह भ्रिष्टाचार सरकार कांग्रेस ने एक तिना महीन तीन DGP बदले ने सुखी रंधावा और जरा अवे दसा कि नाचा नचण वाला नाचा सिद्धू सरदार गुरमेल सिंह जी जजी काउंसलर साहब नो आके अपने विचार जेड़े आ उठे परचे दर्ज किए जा रहे हैं खास तौर पर बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ क्योंकि 5 साल का सरकार का फेलर आ 5 साल सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया तो अज इन्हों पता भी लोगों की कचहरी कि जाना पहले कैप्टन साहब फेल हो गए हूँ चन्नी बुरी तरह फेल आ अज विरोध हो रहा प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर वर्ग नाराज आ सरकार तो लेकिन इन्होंने 5 साल अकाली दल को बदनाम करते इन्होंने ला दते ने तो हुण ये मजीठिया साहब दे परचा दर्ज करके अकाली दल नीमा दिखाना चाहते ने अते मजीठिया साहब नूं बदनाम करना चाहते ने सो इस केस दे विच कोई सच्चाई नहीं अदालत दे विच दुध दा दुध ते पानी दा पानी होगा उन्हें तो अदालत ही पता लग जूगा जब अदालत दे विच जाना केस दा सारा कुछ सामने आ जूगा वो सरकार दी लॉ एंड आर्डर दा फेलर आ पूरी तरह क्योंकि सरकार का ध्यान लॉ एंड आर्डर वाले पास नहीं है इन्हों का ध्यान तो अकाली दल बदनाम करने वाले पास है सारा है जी धरना 2 घंटे धरना चलूगा जो पार्टी का प्रोग्राम है 2 घंटे धरने दिता जाऊगा तो सरकार का डट के विरोध करांगा मैं बलविंदर डुलगे कौमी उम्मीद प्रधान यूथ अकाली दल पंजाब तो अज जिहड़ा धरना जगराओ पुल ते लगाया गया सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया दे जिहड़ा झूठा परचा कांग्रेस सरकार ने अपनी हार नूं देखदे हुए चन्नी ते उन्हां दे भ्रिष्ट मंत्रियां वल्लों दित्ता गया ये बिल्कुल झूठा परचा वा ते मैं सरकार अगे मंग करदा झूठा परचा रद्द कीता जावे ते सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया उत्ते जिहड़े दोष लगाए गए वह बिल्कुल झूठे दोष आ ते मैं सरकार अगे मंग करदा इहनूं परचे नूं खारिज कीता जावे।